वैसे तो हमने अक्सर सभी के मुंह से यही सुना होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, खासकर गर्मियों में तो और भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पानी पिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि पानी हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। भरपूर मात्रा में पानी पीने से शरीर के सभी विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से मुक्त रहता है। इसके अलावा ब्यूटी के लिए भी पानी का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। अधिक मात्रा में पानी का सेवन करने से ऑयली स्किन, पिंपल्स, दाग धब्बे आदि समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पर क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप पानी कैसे पीते हैं, यानी कि आप खड़े होकर पानी पीते हैं या बैठकर? चलिए आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आपको खड़े होकर पानी पीने से क्या नुकसान होते हैं। आपको बता दें, किडनी पानी को छानने का काम करती है। अगर आप बैठकर पानी पीते हैं तो किडनी अपना काम सही तरीके से करती है, पर अगर आप खड़े होकर या जरूरत से ज्यादा पानी का सेवन करते हैं तो किडनी से पानी बिना छाने ही बाहर बह जाता है, जिससे पौष्टिक तत्व भी अधिक मात्रा में शरीर के बाहर निकल जाते हैं। और आप लगातार अगर खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको किडनी और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो सकती है। और साथ ही जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उन्हें हमेशा पेट से जुड़ी कोई ना कोई समस्या रहती है। आपको आगे बताएं तो खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों के दर्द या गठिया की समस्या भी हो सकती है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में मौजूद तरल पदार्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे घुटनों पर बुरा असर पड़ता है और कम उम्र में ही आपको घुटने से संबंधित परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो आज हमने आपको बताया कि खड़े होकर पानी पीना आपके लिए कितना खतरनाक है। तो कभी भी आप खड़े होकर पानी ना पिए, बल्कि बैठकर ही हमेशा पानी को पिए। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से आरती की रिपोर्ट।